देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शैला राव। एक नज़र अब तक की खास खबर पर। अपराधियों को धूल चटाने के बाद उन पर अपराध न करने को लगातार दबाव बनाए जाने की नीति अपनाते हुए जनपद के पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने आज पुलिस लाइन से मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन मोटरसाइकिल को रवाना करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्रीफ किया गया। इनकी ब्रीफिंग में उनके द्वारा बताया गया कि प्रत्येक थाने में 2 कर्मचारियों को चयनित किया गया है, जिनको एक मोबाइल फोन के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा उनको एक मोटरसाइकिल दी गई है, जिस जिले के DCRV में इन सभी ईगल्स का कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो इनके कार्य की जानकारी लेंगे। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार ईगल्स टॉस्क समय समय पर दिए जाते रहेंगे, जिसको इनके द्वारा पूरा किया जाएगा। जेल जाने वाले और जेल से छूटने वाले अपराधियों की संपूर्ण जानकारी इनके द्वारा तैयार की जाएगी। इस अवस्था में जनपद के प्रत्येक थाने को समस्त अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी। साथ ही यही ईगल थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों पर भी नजर रखेगी जिनका आय का जरिए कुछ भी नहीं है और उनका रहन सहन का स्तर काफी ऊंचा है, जिससे उनके अपराध में लिप्त होने के बारे में जानकारी होती रहेगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। अंत में उनके द्वारा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर SP ग्रामीण विद्यासागर मिश्र व SP ट्रैफिक विनीत भटनागर मौजूद रहे। इंडिया 24 टीवी न्यूज के लिए राजीव चौधरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।